अस्सलाम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बग़ैर किसी एप्लीकेशन के अपनी पिक कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फीचर होता है एडिट में ब्यूटीफाई का, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे आपको। आजकल एप्लीकेशंस जो है ना वो पेड होती जा रही हैं, काफ़ी सारी पहले फ्री होती थी, पेड होती जा रही हैं, तो आप सिंपल भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना, आपने अपलोड करनी है किधर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं एडिट आसानी के साथ। वन टैप ब्यूटी, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे खुद भी हो जाएगी ऑटोमेटिक, 6 पे कर लें, 5 पे कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद चलते हैं वाइटनिंग पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने मुताबिक रख सकते हैं कि कितना आपने वाइट रखना है, तो यहाँ पे मैं कम ही रखूँगा। ठीक हो गया, ये रख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं वाइटनिंग के बाद स्मूथनिंग, तो यह आपको यूज़ करना चाहिए, इससे आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है पिक की। ज़बरदस्त फीचर है, यह आपने यूज़ किया होगा पहले भी। रिमूव ब्लेमिशेस, यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगी हुई है तो वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आते हैं जी स्लिम फेस पे। अगर आपका मुंह छोटा है, बड़ा है, जैसा है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, टिक्का लेते हैं। इसके बाद आँखों को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी बड़ी हैं तो छोटी कर सकते हैं। कुछ लोगों की आँखें इतनी बड़ी होती हैं जैसे ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी को घूर रहे हो, सिंपल देख भी रहे हो तो लगता है जैसे घूर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से छोटी कर सकते हैं, अगर छोटी हैं तो आप बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद जी रिमूव डार्क सर्कल, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर सर्कल हैं आपके आँखों के नीचे, डार्क सर्कल हैं, तो वो आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आखिरी जो फीचर है इसका, वाइटन टीथ, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके दांत निकले हुए हैं किसी पिक में, तो वहाँ से आप इसको वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे दांत नहीं निकले हुए तो लिहाजा मैं नहीं कर रहा। ठीक हो गया, इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, डन कर लेते हैं, ये सेव हो गया। तो आज की वीडियो यही थी, एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।